हाँ जी, मेरे को प्लीज मेरे घर ड्रॉप कर दो, यहाँ पे बहुत मेरे को डर लग रहा है, अंधेरा भी हो रहा है, देख रहे हो ना, कैन यू प्लीज हेल्प मी। कहाँ जाना है आपको? मेरे को सेक्टर 11 जाना है। ओह ओह दोस्तों, रात का सफर अक्सर खतरनाक होता है। इस बीच आपके साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, इसका अंदाजा वायरल होती इस वीडियो से लगाया जा सकता है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि घनी काली और सुनसान सड़क पर कार में सवार कुछ युवक सड़क से गुजर रहे होते हैं कि रास्ते में खड़ी एक युवती कार को लिफ्ट मांगने का इशारा कर रोक लेती है, और फिर उसके बाद जो हुआ वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि रात के अंधेरे में राह चलते किसी भी इंसान की मदद करनी चाहिए या नहीं। पहले तो ये लड़की बॉयफ्रेंड द्वारा उसको सड़क पर छोड़े जाने का हवाला देकर कार सवार युवकों से मदद मांगती है। उनको बोलती है कि उसे सेक्टर 11 जाना है, लेकिन उसके पास कोई मदद नहीं है, कृपया उसकी मदद कर दें। पहले तो ये लड़की बॉयफ्रेंड द्वारा उसे सड़क पर छोड़े जाने का हवाला देकर कार सवार युवकों से मदद मांगती है। कार सवार युवकों को भी लड़की की हरकतों पर शक हुआ और वह सतर्क हो गए, क्योंकि शायद उन्हें पता था कि मास्क के पीछे छुपे इस खूबसूरत चेहरे में एक खतरनाक साजिश छुपी है। बेबस होने की एक्टिंग करती ये लड़की कुछ ही देर बाद कार सवार युवकों का ध्यान भटकाती रहती है, और तभी कुछ ही देर बाद वहां उसके साथी आ जाते हैं जिनके हाथ में लाठी डंडे साफ देखे जा सकते हैं, और आते ही ये कार के शीशे पर अंडा फेंक कर मारते हैं ताकि ड्राइवर का ध्यान भटकाया जा सके। लड़की कार के आगे खड़ी हो जाती है और शातिर कार सवार युवकों पर हावी हो जाते हैं। जाहिर है कि ये लूटपाट करने की सोची समझी साजिश थी, लेकिन गनीमत रही कि कार सवार युवकों ने बिना देर किए वहां से कार दौड़ाने में ही अपनी भलाई समझी और वह उन शातिर लुटेरों के चंगुल से भाग निकले। रुक गया, देख ले भाई, बताना तू, बोल बता। अरे वो पूछ ले ना वीडियो में। हेलो, हां जी, मेरे को प्लीज मेरे घर ड्रॉप कर दो, यहाँ पे बहुत मेरे को डर लग रहा है, अंधेरा भी हो रहा है, देख रहे हो ना, कैन यू प्लीज हेल्प मी। कहाँ जाना है आपको? मेरे को सेक्टर 11 जाना है। द्वारका? हाँ जी। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी रात को? एक्चुअली मैं, मेरा बॉयफ्रेंड था तो हमारा झगड़ा हो गया था। हाँ जी। तो उसने मुझे यहीं पे ड्रॉप कर दो, छोड़ एक तरह से छोड़ के चला गया वो मुझे, प्लीज हेल्प कर दो, मुझे वहाँ तक छोड़ दो। मैम इतनी रात को यहाँ पे इतनी छीना झपटी वैसे ही होती है आप? मैं इसलिए मैं बहुत डर रही हूँ, पता है यहाँ पे मेरे फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा, फोन भी नहीं लग रहा किसी को, यहाँ पे आप देखते हो ना कैसा अंधेरा हो रहा है, मैं बहुत अकेली, यहाँ पे कोई है भी नहीं मेरी हेल्प करने के लिए, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, सॉरी मैम, आपको छोड़ नहीं सकता। मेरी बात अमरजीत, अमरजीत हाँ, पुलिस को फोन करते हैं। एक मिनट रुक जाना, चल रही भाई नहीं चल रही, आगे कैसे चढ़ेगा, भी तोड़ दिया यार, यार ये तो बहुत दिक्कत हो गई। मैं कह रहा था मैं तो रोक लड़की के पास, मैं तो रोक, क्या हो गया, क्या चाहिए? एक मिनट, निकाल निकाल, अर्जा ऊपर चढ़ा देगा, अर्जा अर्जा बैग, अर्जा भाई निकाल 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 जल्दी निकाल। इस रोड से मैं मना कर रहा था, मतलब रात में मैं कसम बैठ जाओ, भगा लिया हम यहाँ से, आगे हो सकता है, आप आगे निकलेंगे कहाँ? अबे भाई तू निकलना, इसको बंद कर दे बैठ, इसको क्या लाइट, इसको बंद कर दे, आगे भी होंगे तो कोई, तो हम इससे क्या होगा फिर, चल निकले यार। हो वायर नहीं रोकना चाहिए था भैया, हमें पहले
अबे मैं तो समझ गया था रात के जो 2 बजे बैठ से ये होती है ना हरकतें, कोई नहीं है रोड पे, देख ले अभी तू देख ले कोई भी नहीं है रोड पे। एक काम कर यार, एक काम कर, पर तो हार्टबीट बहुत तेज हो रही है भाई, कसम से दिमाग खराब हो रहा है। और ये ब्लेड ब्लूड भी रखते हैं, बाहर भी नहीं निकल सकते। अबे लड़के थे कितने, पीछे भी थे 4-5 लड़के, पीछे वाला शीशा भी फोड़ दिया भाई उन्होंने, पीछे वाला शीशा भी फूट गया। रोक ले एक बार मेरी बात सुन, अब अगर पीछे से आ रहे होंगे भाई पीछे। अरे यूं तो लड़की की मदद से लूट करने का ये तरीका पुराना है, लेकिन जब आप देर रात सफर करते हैं तो किसी भी अनजान व्यक्ति को बिना सोचे समझे मदद के लिए नहीं रुकें। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।